भाई ट्रेन मिल गई, सीट भी मिल गई, अब बारी आती है बाय बाय बेलथर रोड करने की। अब चलते हैं दिल्ली आनंद विहार और स्टार्ट करते हैं ट्रेन का सफ़र। गाइस ये होता है मज़ा भाई। अभी तक किसी यूट्यूबर ने किचन के अंदर घुस के चाय नहीं पी होगी और किचन का ऐसा लुक नहीं दिखाया होगा। तो दोस्तों ये देखो यार कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इस टाइम यहाँ बारिश हो रखी है, ऊपर यहाँ बादल हो रखे हैं, एकदम पूरा मॉनसून आ रखा है। तो भाई बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे रह के मुझे बहुत ही मज़ा आया। और गाइस जैसे अगर बात करें तो जैसे आज का आपने वीडियो देखा है कि भाई तुम्हारा भाई वापसी आ रहा है दिल्ली, तो भाई देखो मैं तो खुश हूँ कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, पर जिस तरह से ऑलमोस्ट मुझे यहाँ 5 महीने हो गए हैं। बाकी गाइस देखते हैं जो आज का हमारा व्लॉग है कैसा जाने वाला है, मुझे अभी आइडिया नहीं है क्योंकि आज हमारा ये ट्रैवल व्लॉग है। तो इस टाइम जो है मेरी ट्रेन अभी बिहार में है, तो ट्रेन की टाइमिंग जो है वो है ऑलमोस्ट 12:40 के आसपास की, और वही ट्रेन है हमारी लक्ष्मी एक्सप्रेस। अभी तो देखो मैं नहाया धोया नहीं हूँ, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, तैयार होते हैं और फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और ऊपर से भाई देखो आम के पेड़ से पानी गिर रहा है, कैमरे में पानी गिर गया, वो तो शुक्र है कि गोप्रो है तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, DSLR होता तो बड़ी दिक्कत आती, खर्चे बढ़ जाते मेरे। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो देसी छोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, किस बात की देरी है, और वीडियो को लाइक कर दो और कंटिन्यू करते हैं आज का ये वाला व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टेशन पे, और अभी इस टाइम यहाँ पे 11:02 का मैं, ट्रेन का टाइमिंग वही है अपना 12:05 के आसपास ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। सो स्टेशन कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, आगे से हमारे बिल्था रोड का मैं एंट्री यहाँ से करूँगा, एक मेन एंट्री यहाँ से भी है पीछे से, पर मैं यहाँ से चलूँगा क्योंकि यहीं पर ट्रेन की बोगी आने वाली है कोच, तो सेकेंड AC का कोच रहने वाला है इस बार। पिछली बार मेरा स्लीपर का था, पर इस बार सेकेंड AC का सफ़र कैसा रहेगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं एक बार अंदर। तो एक बार मैं आपको लुक दिखाना चाहूँगा अपने बिल्था रोड का कि भाई फिर से आएंगे और फिर से ऐसे ही इन्जॉय करेंगे यहाँ पे हम लोग दोस्तों के साथ। भाई ट्रेन मिल गई, सीट भी मिल गई, अब बारी आती है बाय बाय बिल्था रोड करने की। अब चलते हैं दिल्ली आनंद विहार और
स्टार्ट करते हैं ट्रेन का सफर। तो चलो दोस्तों मजे करते हैं। ट्रेन की खिड़की से नज़ारे देखते देखते मुझे तो लग गई भूख और मैंने ऑर्डर कर दी वेजिटेरियन बिरयानी। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो स्वाद काफ़ी इसका नॉर्मल है, ज़्यादा तीखा नहीं है, मीडियम है। तो एक बार और जरा एक और बाइट हम लोग लेते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको कलर। तो एक बार इसकी बाइट लेते हैं और देखते हैं। हाँ ठीक है। तो बिरयानी खाते खाते मैंने कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी थी, तो एक बार आपको दिखाता हूँ मैं कॉफ़ी। तो अभी यहाँ पे हो रहे हैं 2:50 और इस टाइम पे देख रहे हो यहाँ पे सामने का नज़ारा, भाई पूरा पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे ये छोटी सी नदी है और यहाँ पे सामने लोग बोटिंग कर रहे हैं, आपको बोट दिख रही होगी। और अब आ रहे हैं यहाँ पे बनारस, ऑलमोस्ट 3 करीब हम लोग बनारस आ गए हैं। ठीक है, टाइम से है। स्पेशली सबसे अच्छी बात है कि यार जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पर्सन के मेंबर मिलते हैं। भैया आपका नाम क्या है? प्रेम कुमार गिरी। तो प्रेम जी नाम है इनका। और भैया बिहार से आ रहे हैं आप? जी। ठीक है। और भैया वो गाजियाबाद जाना है ना, अभी बता रहे थे। ठीक है। और स्पेशली भैया यहाँ भाई मिल गया आपके नाम? अच्छा, शुभम सिंह भाई, अभिषेक सिंह। ठीक है। तो शुभम सिंह और भाई ने यहाँ पे चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया अपना। तो भाई ठीक है, देखो यही होता है प्यार और यही होता है एक सम्मान। और हम भी चाहते हैं कि आप सबको ऐसे हम लोग प्यार देते रहें। तो इस टाइम गाइस देखो यहाँ पे 5:40 हो गए हैं और शाम का टाइम है। और ट्रेन जिस तरह से अगर बात करें तो अराइवल टाइम से है और इलाहाबाद का टाइम ऑलमोस्ट 6 का दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ट्रेन का देख रहा हूँ लोकेशन कहाँ तक पहुँची है। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा सेकंड कोच यहाँ सामने। सो कुछ ऐसा है, मतलब डबल फ्लोर है। थर्ड कोच में 3 होते हैं, इसमें डबल फ्लोर है। और इसकी स्पेशल बात है कि ये खुल जाता है। ये हमने बिछा रखा है, थोड़ा हैवी है बट भाई ठीक है, कंफर्ट है, अच्छा है। और क्या चाहिए, क्योंकि सेकंड कोच जैसी सीटें और कंफर्ट ही नहीं देगी तो मज़ा नहीं आएगा ट्रैवल करते हुए। तो अब हम आ गए हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद के स्टेशन से पहले जस्ट यहाँ पे गंगा जी की बहुत बड़ी नदी है। पिछली बार जब मैंने नाइट में आपको दिखाया था तो यहाँ पे कुंभ का मेला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पूरा एयरपोर्ट है। और अभी ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम देखो क्या नज़ारा है सुंदर सा यार, एकदम सामने सूरज की रोशनी आ रही है। यहाँ पे पूरा गंगा जी का पानी लगा हुआ है और नदी काफ़ी दायरे में बड़ी है और पानी का लेवल भी बहुत ही ऊपर तक आ रखा है। तो ऐसा सुंदर नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। सो इस टाइम पे हम लोग चल रहे हैं किचन में, जो ट्रेन का कोच होता है उसमें पहले मैं जाके खाना ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ किचन में बंदे मिलते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं। बाकी ढूंढ रहा हूँ भाई 3-4 बोगी, आगे बोला उन्होंने। ठीक है। A few inches later. सो गाइस अंदर मैं गया, अंदर कैमरा लेना अलाउ तो नहीं था बट मैंने ऑर्डर कर दिया है। जब खाना आएगा मैं आपको दिखाऊंगा क्या रहता है। बस की एंट्रेंस बड़ी कमाल है, जैसे खोलो और वैसे बंद हो जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली किचन कोच अंदर से बहुत साफ था और जिस तरह से वहाँ का स्टाफ था मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा अच्छे ढंग से। ठीक है, आता है, मैंने टाइम दिया है ऑलमोस्ट 7:30 का खाने का, नहीं तो भैया कह रहे थे मैं खुद ही आ जाता। मैं सोचा क्यों ना भाई मैं ही आता हूँ, आपको ऑर्डर दे देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, बताएं आपको ये चीज़ें। तो यार आपका नाम क्या भैया? नाम रविंदर। तो रविंदर भाई ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा रविंदर भाई आपसे मिलके, आपकी सर्विस देके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आता है खाना देखते हैं, आने दो भैया। ठीक है भैया, डर गए भैया, आप कैमरे से क्यों व्लॉग बना रहे हो भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं यार। You serious? So guys, ये होता है मज़ा भाई। अभी तक
किसी यूट्यूबर ने किचन के अंदर घुस के चाय नहीं पी होगी और किचन का ऐसा लुक नहीं दिखाया होगा। सो गाइस इस टाइम यहाँ पे मतलब इतनी खुशी की बात है कि यहाँ पे जो रेलवे का स्टाफ है काफ़ी हम्बल है, काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली भैया जो यहाँ के हैं मेन हेड हैं। एक बार आपका फिर से नाम पूछना चाहूँगा भैया, रविंदर कुमार। तो रविंदर भाई ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, भैया कह रहे भैया आप बैठो यार चायो पियो, मतलब ठीक है एक नेचर वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। रेलवे का स्टाफ वैसे ऑलवेज हमेशा हर जगह रेलवे स्टाफ ऐसा नहीं मिलता, और बहुत जगह जो पुलिस मेंबर्स होते हैं हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं हम पुलिस वालों की, क्योंकि यहाँ से बात है हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले रहते हैं, तो इनकी हमेशा रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है। और स्पेशली सबसे अच्छी बात यहाँ पे भैया ने हमारा चैनल भी, ये दिखाना नहीं चाहिए मुझे पर भैया ने भी यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो इससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है। ठीक है भैया भेज देना, वहाँ मिलते हैं आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है और उम्मीद है कि आगे ऐसा भी मिलते रहेंगे। ठीक है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है ना, आप बहुत शुक्रिया, जय बस ये बात हुआ। तो चलिए दिखाते हैं एक बार आपको अंदर से ढंग से एसी का कोच। और भैया ठीक हो, एक बार थंब दिखाओ यार ऐसे, हाँ ये हुई ना बात। चलते हैं एक बार अंदर। सो कुछ ऐसा है, ये हमारा थर्ड एसी, मेरा बोगी है सेकंड एसी का, पर मैं इस बार थर्ड एसी को भी एक बार दिखाना तो बनता है। और भैया थोड़ा हंस तो दो यार, थोड़ा हंस तो दो। रेडी गाइस, यहाँ पे हमारे 8:21 हो गए हैं, भैया थोड़ा लेट कर दिए डीले पर, कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि आ गया तो ही मना मत करो आने दो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले। ठीक है तो ये रहा कुछ खाना, अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि अनबॉक्सिंग करने में हमको हमेशा ही मज़ा आया, और साथ में रोटी मिलती है। अब भैया इसमें क्या है, चावल दाल रोटी सब्जी, और सब्जी कौन सा है, मिक्स सब्जी आलू गोभी के, आलू गोभी नहीं मटर वाला। अब बारी आती है एक बार खाना आपको हम लोग खोल के दिखाते कि आखिर मुझे रेलवे वालों ने दिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चावल दिख रहा है, एक चटनी दिख रही है, एक स्पून दिख रहा है, और एक दाल है, और एक मिक्स वेज सब्जी है वेजिटेबल। तो इन्होंने ये दे रखा है आज के मेन्यू में, तो ये कुछ चटनी है भाई, ठीक है पिछली बार से तो क्वांटिटी कम लग रही है, पिछली बार से खाना भी अलग लग रहा है, पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो इस बार मैंने आपको दिखाया खाना, टेस्ट किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे देखा जाए तो रेलवे के हिसाब से खाना ठीक था, और खाने की क्वांटिटी भी ठीक थी, ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा ही था, जो भी था ठीक था। इस टाइम थोड़ा शोर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं बाथरूम के पास हूँ, तो शोर आम से लाजमी है। बाकी का सब बारी आगे सोने की, देखते हैं मॉर्निंग 4:30 टाइम है आनंद विहार का, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं, मतलब डेस्टिनेशन वहीं हम लोग ख़त्म करेंगे अपनी, तो बाकी सोने चलते हैं। बाकी जो खाना था, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली रेलवे के स्टाफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिस तरह से मुझे फेस किया और जिस तरह से मेरा मतलब रिस्पेक्ट मुझे दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आखिरकार ट्रेन ने हमको एकदम एग्जैक्टली टाइम पे छोड़ दिया है आनंद विहार, तो इस टाइम मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं, और आज की जर्नी बहुत ही अच्छी रही। सो गाइस टैक्सी मैंने ले ली है, और अभी यहाँ पे 4:51 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 को आ गए हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करने टाइम आ चुका है, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो देसी छोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल। तब तक साइन अप, अपना देसी तरीका, बूम राम राम, और भाई अपना ध्यान रखिए, और भाई मिलते हैं जल्दी और किसी नए धमाके के साथ।